नहीं बाहर आई बाहर आप आए हो मेरे घर, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। अरे गुलशन को बुलाओ। तो हाँ, बस हमारे यहाँ बस रौनक का माहौल हमेशा बना रहता है। आज मेहंदी है जो सुरेश की बहन ने रचा, उसकी तो इसलिए नाच गाना हो रहा है। हाँ, रौनक भी आया है। अच्छा, आप मेरे ज्यादा साथ आपकी भी यहाँ मेहंदी होने वाली है, आपको भी दिखा देनी। एक्चुअली हमारी कुंडली जो मिलाई गई मेरे और सुरेश की, तो उसमें राहु और केतु हो गए, तो अभी डेट नहीं निकली है उसकी। नहीं तो प्लानिंग यही थी कि रचना और रोहन के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बाद में होगी, क्योंकि आज सिर्फ रचना की मेहंदी, सिर्फ मुहूर्त उसी के हाँ। शादी का निकला है। अभी ये भी टेंशन है कि घर पे सबको पता चलेगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और बुलबुल कैसे रिएक्ट करेगी उसको पता चलेगा तो मतलब काफ़ी कुछ चल रहा है दिमाग में, इसलिए मैं जो ये माहौल है ये इन्जॉय नहीं कर पा रही, कि मेरे को ये टेंशन है कि मेरे शादी को लेके मम्मी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, बुलबुल इतनी एक्साइटेड है, तो इन लोगों को जब पता चलेगा कि मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ तो कैसा लगेगा। अच्छा बुलबुल, एक और चीज़ बताइए, आपको बस मौका मिलना चाहिए, आप नाचने के लिए रेडी रहती हैं, यहाँ पर भी कुछ नाच गाना धमाल है? फुल ऑन। कौन सा गाना है ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता है, इट्स अ बिग सरप्राइज, बट ऑफकोर्स मेहंदी है, मेहंदी के ऊपर गाने होंगे, और गाने है तो डांस होगा, और डांस है तो बुलबुल है। देखो, मुझे मेहंदी दूसरों को अप्लाई करना बहुत पसंद है, मेरी जो रियल दीदी है वो भी अप्लाई करती है, लेकिन मुझसे कभी नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट एज गुड एज हर। एनीवेज, बट प्रज्ञा की जब मेहंदी होगी तो बुलबुल अपने हाथों से, उसके हाथों में मेहंदी रचाने वाली है। सो ये रहा कौन, और ये शगुन की मेहंदी, ये तो रचना की शगुन की मेहंदी है। अरे लगाना।